मैं अनुभव अकेला राहरी न्यूज से इस समय छात्रों नौजवानों बेरोजगारों को इन जातिगत और धार्मिक उन्माद से बाहर लाने का काम कर रहा हूं। इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज रामचरितमानस पर टिप्पणी कर करके करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है, उनके भावनाओं को उकसाया है। लिहाजा इनके ऊपर FIR पंजीकृत कर सरकार इनको जेल भेजे, ऐसा मैं राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के बैनर तले मैं शशांक शेखर सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी से देश के प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कि इस विकृत मानसिकता निकृष्ट मानसिकता ऐसे अज्ञानी व्यक्ति को की जगह जेल होनी चाहिए। कई संगठन भी आप समर्थन में उतरे हैं। देखिए ऐसा है, यह सामाजिक मामला है, यह सनातन धर्म के खिलाफ मामला होगा। सनातन धर्म के सम्मान में इस तरीके की राजनीतिक पार्टियां तथा कथित प्रोपेगेंडा तैयार करती हैं, जबकि आप जानते हैं कि लगातार 10 वर्षों से छात्रों नौजवानों बेरोजगारों की बुनियादी सवालों को लेकर उनके बेहतर भविष्य के लिए लगातार राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच संघर्ष कर रही है। उस 10 वर्षों के संघर्ष को किसी भी कीमत पर बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल किसी भी कीमत पर बेचने तक राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच का पूरे प्रदेश में आंदोलन जारी रहेगा। मैं अनुभव सक्सेना राहरी न्यूज से इस समय लखनऊ की धरती पे हम खड़े हुए हैं, जो कि दारू सभा में खड़े हुए हैं। यहाँ पे एक पुतला फूका गया है जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ फूका गया है, जिन्होंने रामचरितमानस के लिए एक अपशब्द भाषा का प्रयोग किया था। इससे नाराज होकर जो शशांक शेखर सिंह जी ने, जो कि सांसद युवा सांसद हैं महापंचायत कार्यक्रम के राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के, इन्होंने जो है पुतला यहाँ दारू सभा में फूका हुआ है और इन्होंने गवर्नमेंट से मांग की है कि सख्त से सख्त सजा स्वामी प्रसाद मौर्य जी को दी जाए, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस के लिए एक गलत शब्द का प्रयोग किया है।